चलो देखते हैं क्या है। दो वायर्स जो हैं इनको टॉट रखा गया है बिटवीन द सेम पेयर ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। तो सेम पेयर ऑफ सपोर्ट्स मतलब कहने का मतलब यह है कि दो वायर्स हैं सेम पेयर ऑफ सपोर्ट्स के बीच में रखा गया है, ठीक है। ठीक, दो वायर्स हैं, वायर नंबर वन, वायर नंबर टू। क्लियर? कोई परेशानी? बोलो, आगे पढ़ो। आगे जब पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि दिखा है टेंशन का रेशियो दिया हुआ है, मतलब बेसिकली टेंशन का रेशियो दिया हुआ है 2:1, है ना। तो इसका टेंशन अगर मैं 2t ले लेता हूं तो इसका टेंशन क्या लिखूंगा मैं? t लिखूंगा। बोलो, वैसे ही इसका रेडियस अगर मैं 3r लेता हूं तो इसका रेडियस क्या लिखूंगा मैं? r। और इसकी डेंसिटी अगर मैं रो लिखूंगा तो इसकी डेंसिटी लिखूंगा मैं 2ρ। कोई परेशानी? नहीं सर, बोलो। ठीक है, तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं सर, नहीं सर। चलो, अब हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर दोनों एंड पे फिक्स होता है तो क्या होता है, बताओ क्या होता है? बोलो फॉर्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, V/12, है ना। बोलो, और V की वैल्यू क्या होती है? √T/μ। √T/μ/12, ठीक है। कोई परेशानी? अब सर देखो, तो आप रेशियोज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना? हाँ, अब देखो लेंथ तो दोनों का सेम है, दोनों वायर्स का लेंथ सेम है ना, तो हाँ सर, इसका टेंशन नहीं लेना आपने को। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अगर रेशियो निकालना है F1/F2 निकालना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? √T1/μ1 √T2/μ2। कोई परेशानी इसमें? क्योंकि लेंथ तो कट जाएगा, और तुम्हें ये पता होना चाहिए म्यू का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे इसको ऐसे डालो, तो इसको मैं और ऐसा सिंप्लीफाई करूंगा तो बेसिकली ऐसे लिखूंगा T1/ρ1a1, ठीक है, √T2 × √2a2। चलेगा? बोलो। और T1/T2 का रेशियो अब डालना शुरू कर देते हैं। तो T1/T2 कितना हो गया? ये तो कट गया। T1/T2 क्या हो जाएगा? बोलो, ऊपर वाला टेंशन कितना है? 2T, नीचे वाला कितना है? T। तो ये 2 हो गया, तो इसका काम तो हो गया। अब बच गया √2/ρ1। √2 कितना है? 2ρ, और ये रो है, तो √2 इज, ये √2 है, ये वाला √2 है, 2ρ, तो ये भी हो गया, 2 हो गया, ये भी कट गया। अब बचता है A2/A1। देखो, इसका जो एरिया है, इसका जो रेडियस है वो 3r है, इसका रेडियस है क्या? r। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का क्या होगा? π × रेडियस का स्क्वायर होता है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका एरिया अगर ए है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 9a हो जाएगा ना।
तो ए वन बाय ए टू, ए वन बाय ए टू इज बेसिकली 9, ठीक है। तो हमारे पास एफ वन बाई एफ टू की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, क्या आ जाएगी, 2:3, सिंपल।